Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello everyone. Online Hindi class में आपका स्वागत है. आज हम पढ़ेंगे class 6 की हिंदी book और उसका पढ़ेंगे third chapter, जाति और मजहब की शुरुआत. प्रस्तुत अध्याय में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया पत्र है जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था. इस पत्र में उन्होंने मानव सभ्यता के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी दी है. साथ साथ उन्होंने सभ्यता के क्रमिक विकास पर प्रकाश डाला है. इस पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जब मानव पैदा हुआ तो बहुत कुछ जानवरों से मिलता जुलता था. उन्होंने जानवरों से बहुत कुछ सीखा. पहले मानव अकेला रहता था, फिर जानवरों की तरह झुंड बनाकर रहने लगा, फिर उसे जाति का ख्याल आया, फिर पर कोई संकट आता था तो मानव लड़ता था, फिर समझ आया कि अगर इस तरह लड़ेंगे तो जाति नष्ट हो जाएगी. फिर उनमें एक सरदार बनता जो सभी को नियंत्रित करता. पहले प्रकृति भी उन्हें अपनी दुश्मन नजर आती थी. बादल से ओले गिरते थे तो लगता था देवता उन पर निशाना लगा रहा है. उनका सोचना था कि मुसीबत लाने वाला देवता है जो स्वभाव से क्रोधी है और बात बात पर गुस्सा हो जाता है. उसके क्रोध को शांत करने के लिए वे देवता को तरह तरह से प्रसन्न करने के प्रयास करने लगे. उसके क्रोध को शांत करने के लिए वे अपने बच्चों तक की बलि चढ़ा देते थे. मतलब आदमी डर के मारे ये सब काम करता था और इन्हीं के चलते मजहब की शुरुआत हुई. उन्होंने कहा, मजहब तो हमें अच्छी बातें ही सिखाता है, पर समाज में लोग मजहब के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं. बहुत से लोगों के लिए मजहब आज भी डरावनी बात है. सभ्यता की शुरुआत में जीवन बहुत कठिन था, पर तुम जानती हो कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और मिलकर भारी बोझ भी आसानी से उठाया जा सकता है. धीरे धीरे मानव ने खेती करना सीखा. जिंदगी पहले से ज़्यादा आराम से कटने लगी. आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लोहार, सभी अपना अपना पेशा है. दुनिया में आजकल इसी तरह से काम बंटा हुआ है. जब खेती शुरू हुई तो पुरानी जातियों में इसी तरह धीरे धीरे काम का बंटना शुरू हुआ और यहीं से मानव सभ्यता का विकास हुआ. तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर का सारा सार समझा. थैंक यू क्लास.